चलो 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 गुड गर्ल चलो 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 हाय मीमी हाय हाय मीमी हाय मीमी ओ व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं पेट फेड में। तो पेट फेड में पहले भी बहुत बार गया हूँ, पेट पपर पार्टी बेसिकली जो है पेट फेड वाले करवाते हैं। तो यहाँ चंडीगढ़ में जब भी पार्टी होती है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँ, लोगों से मिलूँ, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हमें वहाँ मिलते हैं। साथ ही साथ हर बार मैं अपने नए बच्चे को, जो भी हमारा बच्चा होता है, कितने सारे बच्चे हैं ना, उनमें से किसी न किसी को ले जाता हूँ। तो इस बार हम जा रहे हैं अपनी मीमी को साथ लेकर। और हाँ, अगर आप मीमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसके इंस्टाग्राम पर पेज है आई एम मीमी द बुली के नाम से, तो आप वहाँ जाकर उसको फॉलो करें। और जाने से बस अभी हम निकलते हैं और शुरू होने वाला पेट पेपर पार्टी। तो वहाँ पर जो बेसिकली अलग अलग गेम्स होंगी, तो आज पूरा व्लॉग आप देखिएगा। और व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, व्लॉग को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल हर बार की तरह हम पहुंच चुके हैं द गार्डिया। यहाँ पर बेसिकली कैफ़े है, ओपन कैफ़े है, तो यहाँ पर ही पेट फेड पप्पा पार्टी जो है बेसिकली होती है। और आज हमारे साथ आई है हमारी मीमी। तो गाइस, अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो मीमी के गले में एक बहुत प्यारी सी जो है गोल्ड चेन है। सो दैट्स नॉट ऑफ रियल गोल्ड एक्चुअली, बट हाँ, ये चीज़ें भी हम जो है धीरे धीरे करके ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हम द कैनोफिलिया वेबसाइट है ना जो हमारी, उसके ऊपर लाने वाले हैं। साथ ही साथ स्पेशली कुछ बहुत अमेजिंग टॉयज़ एंड बेड्स लाने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वेबसाइट एक बार जरूर चेक कर लें, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। तो चलो गाइस, अभी इसको अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आप ऑनलाइन जो है यहाँ की जहाँ पे भी मतलब बेसिकली पेट पार्टीज होती हैं, वो सारे के सारे इनके इंस्टाग्राम पे पहले ही अपडेट डाल देते हैं। और वहाँ पर जो है वेबसाइट पे आप जाकर जो है टिकट वगैरह अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे सेम ही किया था। तो अभी मैं फिलहाल अपनी मेल पे जो है मेरे पास टिकट आई हुई है, मैं ई टिकट दिखाऊंगा और उसके बाद जो है हम अंदर एंट्री लेंगे और बहुत सारे अंदर गेम्स होगी वो हम मीमी के साथ खेलेंगे। ओके गाइस, बेसिकली ना जो यहाँ पे तो ये जो है हम टीम मीमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप जैसे पेट पार्टी के अंदर आएंगे तो आपको बेसिकली आपके डॉग के नेम के हिसाब से टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अब हम दो जाने या तीन जाने आए तो हम सभी मीमी की टीम। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। और ये देखो मीमी, हेलो कोको। उसका एक फ्रेंड मिला। अरे 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 अरे, कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, वो डर है, उसको डर भी लग रहा है। ओके ही इज वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। ओके गाइस, फिलहाल अभी हम हैं कैफे के अंदर। तो बेसिकली जो ये कैफे है दैट इज ऑल्सो पेट फ्रेंडली। तो यहाँ पर अगर आप वैसे भी अपने डॉग्स को भी लेके आए तो आई थिंक आप ला सकते हैं। आ जाओ मीमी, आ जाओ आ जाओ। तो अभी फिलहाल मीमी को पानी, अरे 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 अरे, तो बेसिकली मीमी को मैं डॉग शोज पे भी जब भी लेके गया हूँ तो ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मीमी शुरू से जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा मैच्योर है। मतलब ऐसे सबसे पंगा नहीं लेती है, इसको बस हॉर्सेस से थोड़ी दिक्कत है, इसको घोड़े नहीं पसंद। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है प्रॉपर एक गार्डन है। और इस गार्डन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर जो है ग्रूमिंग वैन खड़ी है। तो बेसिकली जब भी आप पेट फेड में आते हो ना तो बेसिकली उनकी पार्टीज के अंदर ये फ्री ग्रूमिंग सर्विसेज भी देते हैं। अगर आप अपने डॉग को लाकर यहाँ पर कुछ ग्रूम व्रूम करवाना चाहते हो तो वो चीज़ भी अवेलेबल होती है, एज वेल एज यहाँ पर कुछ गेम्स हैं। मैं जतिन भाई को कहूँगा कि इधर गेम्स दिखाएं, तो यहाँ पर अभी कुछ गेम्स भी यहाँ पर चलेंगी। ओके गाइस, तो साथ ही साथ इन्होंने मुझे कुछ है एक पैकेट पकड़ाया है, बेसिकली इसके अंदर गुडीज़ हैं, कुछ कूपन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री आपको जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो है उनके अंदर आपको वहाँ पर ऑप्शन शो कर देता है कि क्या क्या आपको बीच में टिकट के इंक्लूड होगा। और अभी तो यार बेसिकली ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 12:30 है, अभी 2 बजे तक इवेंट है। यहाँ पर और लोग आना शुरू होंगे धीरे धीरे के, बहुत सारे डॉग्स हो जाएंगे। और मीमी तो सबसे फ्रेंडली है ही है। मीमी मम्मी, आप सबसे फ्रेंडली हो। व्हाट्स हिज नेम? हर नेम इज कोको। हर नेम इज कोको। ओके कोको, हाय कोको, मम्मी से मिलो। हाय। सो बेसिकली हाउ ओल्ड इज शी? जस्ट टर्निंग 4 नाउ। टर्निंग 4 नाउ। वाओ यार, शी इज वेरी क्यूट। काटती तो नहीं है ना पक्का? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी ब्रीड से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। हेलो, ये तो हमें काटती है। देखा, यही बात कर रहा था मैं। बेसिकली इसकी गलती नहीं है, एक न्यू डॉग से मिलके दूसरा डॉग थोड़ा सा अलग रिएक्ट करता ही है। वैसे भी एज में बड़ी है इससे बहुत ज्यादा। हाउ ओल्ड इज ही?
ओके गाइस, अभी हम ना थोड़ा सा सोच रहा हूँ, मैं मिमी को प्रैक्टिस कराता हूँ. बेसिकली जैसे हर्डल रेस होती है ना, वैसे ही एक मिमी के लिए भी हर्डल रेस इन्होंने तैयार की है. चलो मिमी, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अच्छा पीछे से बात क्या कर, चलो चलो नहीं भाई, मिमी मिमी तो नहीं इस गेम में, कुछ भी मेडल लेकर आने वाली. मिमी मेरा नाम डुबवाएगी तो. चलो चलो चुप इसकी, चलो 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 चलो, हाँ गुड गर्ल, चलो 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 चलो. वैसे तो गाइस ये चार चार फीट की छलांग मार जाती है. वीडियोस में आप कभी देखना, ये जब गली में ऐसे घूमने के लिए निकलते हैं ना घर से बाहर, चार चार फीट की छलांग मारती है. बट अभी इसको थोड़ा एक्टिंग करने का ज़्यादा मन है. मुझे तो ऐसा लगता है मिमी पे ना थोड़े टाइम के अंदर हम एक कार्टून बनाएंगे, मिमी द ग्रीडी डॉग. ग्रीडी इसलिए क्योंकि खाती रहती है, इसको खाना बहुत पसंद है, मेरी तरह फूडी है ना मिमी. देखो मिमी को देखो, दूसरे डॉग को देख के कैसे. अच्छा एक ना मिमी को देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये फीमेल है, मतलब बेसिकली इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसका एटीट्यूड. ओ लो जी, ए ये लो, ये देखो ये मिमी. मिमी गंदी गंदी बच्ची. सो गाइस देख रहे हो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे गोल्डन रिट्रीवर आए हुए हैं. व्हाट्स हिज नेम? गोजो. गोजो, हाउ ओल्ड इज ही? 1 ईयर 10 मंथ. हेलो, वेरी क्यूट, वेरी क्यूट यार, बहुत ज्यादा क्यूट है यार. ओए ओए ओए, चिकनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना गोल्डन रिट्रीवर्स हैं. आई थिंक सो आजकल बहुत ज़्यादा लोग ना गोल्डन रिट्रीवर को ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज गोल्डन रिट्रीवर एक ऐसी ब्रीड है जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, एज वेल एज थोड़ी सी हाई मेंटेनेंस है. ये बात माननी पड़ेगी, बिकॉज इनका जो कोट है ना वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है. वेरी लाइक बहुत सारी फैमिलीज जो हैं गोल्डन रिट्रीवर ज़्यादा रखना शुरू कर दिया, दैट्स अ गुड थिंग. ये देखना गाइस मिमी को मज़ा आ रहा है, उसके साथ खेलना चाहती हूँ. हाँ वो तो कहाँ फंस गया तू, जो बस 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 बस. हाँ अरे अरे अरे, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द ब्रीड, लाइक गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड के साथ कैसा एक्सपीरियंस? ओके, सो ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली कि फर्स्ट डॉग एज अ गोल्डन रिट्रीवर, आपका एक्सपीरियंस अच्छा. हाय गाइस, हेलो, स्टार्टिंग विद दिस गेम कॉल्ड टेम्पटेशन एली. ओके, सो यू कैन गो टू दैट साइड एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. ओके फास्ट, सो कुछ इस तरीके से अनाउंसमेंट आएगी और उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है. तो अभी हम चलते हैं, मिमी को मैं करवाऊंगा एंड लेट्स सी. ये मुझे लगता है ये गेम हमने लास्ट टाइम भी खेली थी, सुल्तान के टाइम खेली थी शायद, तो अभी देखते हैं वही गेम है कि नहीं. मिमी तो बेसिकली यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द गेम. आप एक एक करके गेम के लिए आपको बुलाएंगे यहाँ से जो वॉलेंटियर्स हैं, एंड आपको उसके बाद जो है रजिस्टर कराना है. और नो अमेरिकन बुल. And your name? Pulkit. Mimi is happy actually. आज Mimi के मतलब मेरे साथ जितना भी travel रहता है या हम outing करते हैं ना Mimi के साथ, Mimi खुश रहती है. मिमी, ओरियो, सुल्तान, सभी हमारे जितने भी बच्चे हैं ना सारे बहुत ज़्यादा ऐसे हैं ना, वो एक फोटोजेनिक से डॉग है, मतलब क्योंकि ना वो उनको पता है कि वो सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली ओरियो को. अरे 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 ओके गाइस, सो धीरे धीरे करके जो है बहुत सारे डॉग्स जो हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और एक एक करके मैं और मिलता हूँ. पीछे देखो उसको कितने प्यारे से उसको लेके गए. व्हाट्स हिज नेम? शी इज़ आकिरा. शी इज़ आकिरा. हाय, she's friendly, right? Yeah. Hello. She got scared of the flying fur van. Achha. Haan, isko grooming bilkul pasand nahi hai. Isko grooming pasand nahi hai. Okay. Meet Mimi. Mimi ko milwate hain. Can I pet her? Yes, 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 sure. She's friendly, right? Yes, exactly. No, no, you ain't. Hi, Mimi. No. Mimi. Cha. Aare. Theek. Okay, milo. Ha. Ha. Wo thodi si dar rahi hai. Ye bhi bahut tha. How old is she? She's 2 years. She's turning 2 abhi. Ha, next week turning 2. So cute. Okay guys, so yahan par ek Mimi jaisa hi bahut pyara American bully hai, right? Same Mimi jaisa, bilkul Mimi ka duplicate hai. To अरे 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 अरे, हाइट भी ऑलमोस्ट मिमी जैसी है. ओए 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 ओए, व्हाट्स हिज नेम? चैम. चैम, हाय चैम. हाँ, ओए ओए ओए,
देख रहे हो कितने खुश है दोनों एक दूसरे को मिलके। मिमी मिमी को ऐसा लग रहा है मिरर देख रही है वो, है ना, खुश है मिमी। चैंप। ओके गाइस, सो ये देख रही है, ये मिमी और ये एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, ये आपस में एक ही ब्रीड है ना, तो इस करके इनको आपस में दोस्ती महसूस हो रही है। हां ओए ओए नो हाय ओए मी 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 का फ्रेंड है ये, मी आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है हां। ओके गाइस, उसको बहुत ही क्यूट से लैब्राडोर को देखना, वो देखो वो देखो। तो बेसिकली यहाँ पर जो है बीच में ना अलग अलग चीजें रखी हैं, वो देखो अब उसको छोड़ेंगे। सो बेसिकली डॉग को जो है अपने पेट ओनर के जो है उसके पास जाना है, बीच में बहुत सारी चीज़ें उसके लिए रखी हुई हैं जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, और उसको सीधा ओनर के पास जाना है। अब आई डोंट नो ये हमारे पास आने वाली है कि नहीं, डर है। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा कोकर स्पाइनल आया हुआ, स्पाइनल आया हुआ है। क्या नेम है सर इसका? नहीं, हाँ जी, हाँ जी भाई, लपले हंसी है। कॉफी कितने टाइम का है पाजी? ये हो गया 15 मंथ का, 15 महीने का। हेलो कॉफी, बहुत फ्रेंडली है यार, देख रहे हो कितनी प्यारी इसकी ग्रूमिंग की हुई है। पर ये ब्रीड मुझे बहुत पसंद है, आपको पता है गाइस, इस ब्रीड की जो स्मेलिंग सेंस है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लाइक जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर जितनी। और ये माल्टीज है, राइट? हेलो, हाँ वाह, मुझे माल्टीज बहुत पसंद है। मिमी मिलो इससे, मिलो आप अपने फ्रेंड से मिलो। मिमी देख रही है यार ये फर बॉल कौन है, ये लग तो डॉग रहा है। मिमी को सॉफ्ट टॉय ना लगे बस, क्योंकि मिमी ऐसे सॉफ्ट टॉय से खेलती है ना छोटे छोटे, कभी सॉफ्ट टॉय समझ के इसको पकड़ ले। ओके गाइस, तो इसको अभी नीचे छोड़ने लगे हैं। किट्टू को हाय किट्टू, देख रहे हो ओए ओए, बहुत प्यारी ब्रीड होती है गाइस माल्टीज ना यार, देखो कितनी खुश है। किट्टू आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, हाँ आ जाओ, अरे क्या बात है किट्टू, अरे तो इसका छोड़ दो। तो आज मिमी ने सबसे अच्छा फ्रेंड इसको बनाया, ये दोनों आपस में बड़े खुश है जब भी एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, इधर उधर घूमते फिरते। हाँ, ही इज अ हैप्पी डॉग एक्चुअली। ओए 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 ओए, तो गाइस यहाँ पे स्कूबी आया है, तो स्कूबी को देख के मुझे ओरियो याद आ जाता है। मेरे पास भी एक ब्लैक पग है एक्चुअली, उसका नाम ओरियो है, तो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। व्हाट इज नेम? हर नेम इज मिमी। मिमी, हाय मिमी, हाय हाय मिमी, हाय मिमी, ओ कितनी ज्यादा खुश है। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज 6 मंथ। वाओ, अरे अरे अरे, hi Shuri, wait, sit, he's well trained actually, she is well trained actually, sorry, down, wow, acha aapne khud train kiya isko, wow, other one, wait, are stay so isko milwaye isse, yeah, yeah. friendly right, yeah she is friendly but thodi moody hai, I kuch kehna nahi chahta, what's her name, Laila, Laila, hi, ye kuch nahi kahegi, ye to meri bachchi hai, hi, So how old is she? She's 3. So basically, जहाँ तक मतलब मेरे पास भी जर्मन शेफर्ड रही है और मेरा एक्सपीरियंस रहा है जर्मन शेफर्ड, they are the most intelligent breed. Very intelligent, right? Okay guys, so यहाँ पे आपने इसको टैग किया था। अच्छा? वेस्टपोर्ट में भेजो। Okay. अच्छा ये अच्छा, हमारे को लास्ट क्वार्टर मिले हैं, वाह यार बहुत अच्छा लगता है, ये देखना तो लास्ट टाइम ये सुल्तान से मिलता, आज इसको हमने मिमी से मिलवाया। क्या हुआ बेटा? सो कितने कितनी एज हो गई इसकी अब? टू एंड हाफ। ओए ओए, इधर आना चाहते थे। ओके गाइस, अभी मिमी की बारी आ गई है गेम खेलने की, तो चलो इसको लेकर चलते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी मैं मिमी को यहाँ से छोड़ूंगा, वहाँ से जो है आवाज़ मारेंगे उसको और देखते हैं कि वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं। ओके, करवा दो। ओके, तो ये बेसिकली ट्रिक्स है ताकि ताकि इधर ध्यान दे, राइट? गुड आइडिया। सो अभी 2-1 गो। मिमी मिमी बिस्किट, बिस्किट, मिमी बिस्किट,
हेलो, खा भी गई है और खाना भी शुरू कर दिया इसने. नो मिनी. That's so sad. Mimi is a greedy dog. Pampered. चलो हाँ, खा रही है और इसको अभी भी खा रही है. ओके गाइस, सो विद दैट करते हैं आज के ब्लॉग का एंड. आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा. सो बेसिकली ऐसी पार्टी चंडीगढ़ में होने लग गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हमें मिलते हैं तो उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगता है. इन सब की चीज़ों की अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे पहले दे देता हूँ कि मैं किस इवेंट पे, किस डॉग शो या किस ऐसी पार्टी में मैं जा रहा हूँ. तो मेक श्योर टू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम पुलकित राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. और अभी भी लोग आ रहे हैं अपने डॉग्स को लेकर और बहुत अच्छा लगता है जब आप एनिमल लव को इतना स्प्रेड करते हैं. और मुझे ना थोड़ी सी एक चीज़ की कमी लगी कि हमारे यहाँ पे जो है स्ट्रीट डॉग्स कोई लेके नहीं आया. एक आध मतलब था, बट आई वांट कि और भी लोग जो है स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करें, साथ साथ ब्रीड डॉग भी करें. मैं मेरे लिए सब बराबर है, ठीक है ना यार. लोग कहते हैं आप डॉग ब्रीड डॉग को ज़्यादा करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को नहीं करते. मेरी स्ट्रीट डॉग्स वाली भी आप कभी जाके ऑर्फनेजेस की वीडियो देखिएगा. तो बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके. सो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में एंड थैंक यू सो मच पेटफेड फॉर इनवाइटिंग मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट.